शाह परिवारों का कब्रिस्तान का है। बहुत बरसों पुराना ये कब्रिस्तान है और यहाँ पर जो है कब्रें भी बनी हुई हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके पास कोई बिल्डर अपनी एक बिल्डिंग बनवा रहा है, फ्लैट्स बनवा रहा है। इनका जो रास्ता है और गेट है उससे उसको प्रॉब्लम है, वो चाहता है कि वो सब हट करके उनकी पार्किंग बन जाए, जबकि बरसों पुराना कब्रिस्तान है। आप देख सकते हैं इनके पास इनके कागजात पूरे हैं, लेकिन आए दिन इन लोगों को ये कहा जाता है। और जब उनका कार्य चल रहा था उनके ट्रैक्टर से इनकी दीवार टूट गई थी, अब बाद में इन लोगों ने वो दीवार वापस बनवा ली, तो उसको ये भी ऑब्जेक्शन है कि इन्होंने दीवार वापस क्यों बनवाई। आम रास्ता है, हम चाहते हैं कि उस कब्रिस्तान के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए, क्योंकि आए दिन इनको परेशान किया जाता है और कहा जाता है कि ये गेट और दीवार हटवा दी जाए। आज हम कलेक्टर साहब के साथ बहुत उम्मीदों के साथ आए थे और उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी है और उन्होंने कहा है कि मौका मुआयना करवाएंगे और कब्रिस्तान के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ये उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। नौसर घाटी स्थित वहाँ पे शाह समाज का एक कदीमी कब्रिस्तान है, वहाँ एक बुजुर्ग हैं जो पीर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। वह पास ही एक धनंजय व्यक्ति ने अपना एक कोई गेस्ट हाउस का निर्माण किया है। वे शख्स ADA के कुछ अधिकारियों से मिली भगत कर और पैसे के बल पर वो कह रहा है कि ये अतिक्रमण है जो कदीमी कब्रिस्तान है, जबकि वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, सारी बातें हैं, मगर वहाँ पर क्या है कि वे अपनी मनमर्जी चलाकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहता है। आज इसी कारण क्षेत्रवासियों में रोष है और सारे लोग आज यहाँ पर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए और वह सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अपील किए और कहा है कि ऐसे लोगों पर पाबंदी लगाई जाए जो इस तरह से नादरशाही कर रहे हैं। आरिफ हुसैन, अजमेर शहर, जिला कांग्रेस कमेटी।